हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आसाम स्टेट की तरफ से आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है, तो इसमें आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा किस तरह आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। तो आपके यहाँ स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन की तरफ से आपके यहाँ पे जो क्लास फोर्थ है और आपकी क्लास थर्ड है, उसके लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो इसमें फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो आप किस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके यहाँ पे ग्रेड थर्ड और फोर्थ के लिए आपकी 12,600 पोस्ट आपके यहाँ पे जारी की गई है। फिर सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फोर्थ या थर्ड, तो आपके यहाँ क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे, दोनों का प्रोसेस आपका सेम है। तो यहाँ आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अटैचमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और किस तरह आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं वो भी आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, आपको इंस्ट्रक्शन है वो आपको देख लेने हैं और उसके बाद नेक्स्ट आपको कर देना है। इसको सबसे पहले जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज है वो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा, उसके बाद आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ डालना होगा और क्लिक हेयर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट का फुल नेम है, कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, आपका जो भी फादर नेम है फादर नेम डालना है, आपका मदर नेम डालना है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डालेंगे, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको डालना होगा और एंटर ओटीपी आपको करना होगा, जो ओटीपी आएगा वो आपको डालना है और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये सभी डिटेल आपको यहाँ पे जब आप कर देंगे, चाहे फोर्थ के लिए करें चाहे आप यहाँ थर्ड के लिए करें, तो भी आप इसी तरह यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और अप्लाई फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शन आपके आएंगे, उनको रीड करना है, नेक्स्ट करना है, और आपका जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एम्प्लॉयमेंट है आपका जो भी नंबर है वो आप डालेंगे, क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और आपकी जो भी डिटेल अभी आपने भरी है उसी तरह आप सभी डिटेल भर देंगे। थर्ड के लिए भी कर रहे हैं तो सबमिट आपको करना है, उसके बाद आपके यहाँ पे जो भी आपने डिटेल भरी है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा और आपका योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, नाउ यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास थर्ड या फोर्थ। तो आपका जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर आप क्लिक हेयर पे आप क्लिक कर देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस भी सेम ही आपका रहने वाला है, तो आपको यहाँ पे आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं उनको रीड करके नेक्स्ट करना है, रेड करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो आसाम नंबर है वो आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके यहाँ पे आपकी जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पोस्ट आपकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे देके रखी है, तो आप यहाँ पे अगर क्लास 10th आप पास आउट है तो आप इस पर यस करेंगे, आपकी 10th अगर आपने कर रखी है और इसके साथ आपने ITI कर रखी है या फिर आपने यहाँ पे 8th कर रखी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यस नो आपको यहाँ पे करनी होगी, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसके आगे यस नो आपको करनी होगी। जैसे कि आपने यहाँ पे 10th और अगर आपने ITI भी कर रखी है तो आप इस पे यस करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो अगर आपने ग्रेजुएशन करके यस करना है, पर इस बात का आपको रखना है ध्यान कि अगर यहाँ डिग्री जो होल्डर कैंडिडेट है नॉट एलिजिबल है तो आप नो आपको यहाँ पे करना ही होगा, पर आपकी यहाँ पे अगर आप नो करते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो आपके अकाउंट यहाँ पे नहीं होगी। तो आपको अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो यहाँ करना है। उसके बाद आपकी जो भी यहाँ कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस भी कैटेगरी में आप आते हैं। उसके बाद अपनी जो भी कास्ट है तो आपकी जो कास्ट है वो आप यह सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपकी अदर कास्ट है तो आप अदर कास्ट आपकी यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद आपके यहाँ पे अदर जो आपकी यहाँ पे कैटेगरी है वो भी आप यहाँ डालेंगे, और आप यहाँ जनरल में आते हैं आप जनरल डालेंगे और आपकी जो अदर कास्ट है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आप अगर दिव्यांग में आते हैं आप यस करेंगे, आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ डाल देंगे, और आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो भी आप यहाँ सेलेक्ट करके डाल देंगे। अगर आप नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन ID कार्ड है वो आप डिटेल यहाँ डाल देंगे, उसके बाद आपकी जो एक्स सर्विसमैन इशू डेट है वो आप डालेंगे, आपकी नेशनलिटी आपका रीजन है वो आप यहाँ डाल देंगे, आपका परमानेंट एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालनी होगी। तो आपकी जो भी एक्चुअल आपकी यहाँ पे डिटेल है वो आपको डालनी होगी, हम सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं। उसके बाद आपकी जो यहाँ पे सिटी है, आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, आपका पिन कोड नंबर है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, वो सभी डिटेल आप यहाँ डाल देंगे। अगर आपका यहाँ परमानेंट एड्रेस
आपका सेम है तो आप आपका अलग अलग, तो आप अलग अलग यहाँ भी भर देंगे। तो जैसे कि आपका यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका अगर आपका सेम नहीं है तो आपको यहाँ डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी, और आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ भर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो आपको यहाँ पे थ्री ऑप्शन आपको देखे रखे हैं, तो आपके प्रेफरेंस आपको थ्री डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको भर देनी है। उसके बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ क्लास 8th की आपकी जो मार्कशीट है उसके मार्कशीट के आपके नंबर हैं वो आपको यहाँ डालने होंगे। आपकी जो ये डेट है वो आपको यहाँ पे आपकी डाल देनी है, तो आपको यहाँ पे आपकी जो है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपकी यहाँ पे की जो मार्कशीट में ऑप्टेन नंबर है वो आपको डालने हैं। उसके बाद आपके जो भी यहाँ पे ऑप्टेन नंबर के बाद आपके टोटल नंबर है, टोटल नंबर आप डाल देंगे, और टोटल नंबर डालने के बाद आपकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी, आपकी पासिंग ईयर आपको डाल देनी है। पासिंग ईयर डालने के बाद आपका जो रोल नंबर है वो आपको डाल देना है, आपका नेम ऑफ स्कूल है वो आप यहाँ डाल देंगे, और आपका यहाँ पे 8th का नेम ऑफ बोर्ड है तो आपका जो बोर्ड का नेम है वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपके यहाँ पे HSCL या इसके इक्विवेलेंट जो भी है आपकी डिटेल वो आप यहाँ पे इसी तरह आपकी जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। जब आप अपनी जो डिटेल है वो यहाँ भर देंगे उसके बाद आपके यहाँ पे HSCL या इसके इक्विवेलेंट जो भी है आपके जो आपने सब्जेक्ट यहाँ भरे थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे भरने होंगे, आपके टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स, आपके परसेंटेज, आपकी पासिंग ईयर, आपके रोल नंबर, जो भी डिटेल है वो आप भर देंगे। अगर आपने ITI कर रखे है, किस फील्ड में आपने कर रखा है TET में, वो आपको भरना होगा। आपके जो भी डिटेल है वो आपको भरनी होगी। अदर कोई क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद आपका जो फोटो है, सिग्नेचर है, उसकी साइज भी आपको देके रखी है, तो आपको अपने जो फोटो है, सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड आपको कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा, तो आप कैसा भी पासवर्ड है बना सकते हैं। 8 डिजिट का आपका यहाँ पासवर्ड है वो आपका होना चाहिए। री एंटर आप पासवर्ड यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन आप रीड करने डिक्लेयर कर देंगे, और उसके बाद प्रीव्यू आपका यहाँ देख लेंगे। प्रीव्यू आपका सही होने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है लॉगिंग आपको करना होगा, और आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप डालेंगे और पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड आप डालेंगे, लॉगिंग आप कर देंगे, इस तरह आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।